हेलो स्पेरेंस, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा ऐसा टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है वो है प्रेट इनिशिएटिव और एक इनिशिएटिव और है विच इज़ द बिग कैचअप इनिशिएटिव। हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देन इंडिया के कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स है वैक्सीनेशन के लिए। देन वी विल सी सम पॉइंट्स अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर एंड ऑल रिपोर्ट्स बाय इट। एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन विच वुड बी बेस्ड अराउंड दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज़? रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दिस प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव विच इज द प्रेट। एंड ये लॉन्च इसलिए हुआ था दैट टू एंश्योर दैट द वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर आउटब्रेक्स लाइक द COVID-19 पेंडेमिक्स। इनिशिएटिव इज एम टू प्रिपेयरिंग कंट्रीज फॉर रिस्पॉन्डिंग टू रेस्पायरेटरी पैथोजेंस जैसे कोरोना वायरस एंड ऑल्सो ऑपरेशनलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोविजन ऑफ द पेंडेमिक अकॉर्ड। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी पैथोजेंस जो फ्यूचर में आ सकते हैं उसके लिए है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इट इज टू हेल्प द कंट्रीज टू एंश्योर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक फ्रॉम रिस्पॉन्स टू रिकवरी थ्रू द स्ट्रेंथनिंग दीज सिस्टम्स एंड कैपेसिटीज एंड ऑल। ग्लोबल मीट 24-26 अप्रैल को हुई थी और इसका जो इनिशियल फोकस है वो रेस्पिरेटरी पैथोजन पेंडेमिक प्रिपेयरनेस है। एक्सपेक्टेड आउटकम जो मीटिंग का है दैट इज अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन एंड अ ग्लोबल रोड मैप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस थिंग। नाउ बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन बोर्ड this spread focuses on improving the pandemic preparedness for groups of pathogens. jo PRET hai it identifies that there are three tier of systems hote hain and capacities which are relevant to these pandemic preparedness. to pehla jo hota hai that is cross cutting for all multi hazards. then second one is those which are relevant for group of pathogens jaise respiratory arboviruses and all. And third is for those that are specific to a pathogen. So these three types of tiers or systems are there. Now, initial module is basically focused on the respiratory pathogens since the risk of influenza or other respiratory pathogens is always present. Over the time, this initiative will also develop new modules for other pathogens also. Initially, ये केवल respiratory pathogens पर focus करता है। ये वन हेल्थ अप्रोच जो है उसको इनकॉर्पोरेट करता है सिंस इट रिकॉग्नाइजेस द मोस्ट न्यू पैथोजेंस ओरिजिनेट दे फर्स्ट ओरिजिनेट इन द एनिमल्स एंड ऑल्सो मल्टी सेक्टरल एक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट प्रिपेयर एंड रेस्पॉन्ड टू दीज थ्रेट्स। इट एम्स टू बूस्ट द पेंडेमिक प्रिपेयरनेस फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पैथोजेंस टू फुलफिल द WHO's असेंबली रिजोल्यूशन which call for the WHO to provide technical guidance and strengthen pandemic preparedness and response. This is why it has launched this. So here you can see this is the health context. This is the pandemic accord. So for pandemic preparedness, response and resilience, there are three things. First is governance. Governance ke liye international health regulations hain, other national regional regulations hote hain. Then systems hote hain, then financing hote hain, jisme pandemic fund wagera, national regional global funds wagera hote hain. System mein there is community protection, infection prevention, ये सारी चीजें। then clinical care होगा, health services provisions होंगे, infection prevention and control centers होंगे। then access to countermeasures would be also there, health emergency measurement measures would be there, and then collaborative surveillance होगी, laboratory surveillance होगी, one health zoo noses, ये सारी चीजें होंगी, and these all will help in the emergency coordination, policy, legal, informative instruments, human resources, coordinating, financing, ये सारी चीजें। अब थ्री टीयर ऑफ सिस्टम एंड कैपेसिटी स्ट्रेंथिंग था, हमने देखा था मल्टी हजार्ड्स, ऑल मल्टी हजार्ड्स, देन पैथोजन ग्रुप्स दैट इज स्प्रेड, देन पैथोजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज वर देयर। व्हाट इज द बिग कैचअप इनिशिएटिव? सो इट हैज बीन लॉन्च बाय द WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अलॉन्ग विद द इम्यूनाइजेशन एजेंडा ऑफ 2030 एंड मेनी अदर ग्लोबल एंड नेशनल हेल्थ पार्टनर्स एज वेल। एंड इट इज अ टारगेटेड ग्लोबल एफर्ट टू बूस्ट द वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन को बूस्ट करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट है। इसका जो एम है ये उन पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है एंड उन डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए है जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, जैसे कि मीजल्स हो गया, डिप्थेरिया हो गया, पोलियो हो गया, येलो फीवर हो गया। एंड इट विल हेल्प टू सेव चिल्ड्रंस लाइफ एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन नेशनल हेल्थ सिस्टम्स। दिस इनिशिएटिव विल पे स्पेशल अटेंशन टू द 20 कंट्रीज, अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राजील, कैमरून, चाड, जिसमें इंडिया भी आता है, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, मेडागास्कर, म्यांमार, तंजानिया, वियतनाम एंड ऑल, बिकॉज दे आर
home to majority of the children who have mixed their vaccine doses and they are very vulnerable to those diseases. Now, salient features of the plan are strengthening health workers' forces, improving the health service delivery, building trust and demand for vaccines with communities, addressing gaps and obstacles to restoring immunization. What are India's major initiatives for vaccination? COVID vaccine drive, universal immunization program for includes the Indradhanush 4.0 plan, then mass immunization campaign for measles rubella hai, pneumococcal conjugate vaccine hai, then Sarvevac vaccine for prevention of cervical cancer is there, polio plus polio program is there. So these are India's major initiatives. What is World Health Organization? Ye ek United Nations ki specialized body hai for health, established within 1948 mein, aur iska jo headquarter hai, that is in Geneva. WHO works with ministries of the health of the member nations और ये लीडरशिप प्रोवाइड कराता है ऑन द इश्यूज ऑफ ग्लोबल हेल्थ, डायरेक्ट ग्लोबल हेल्थ रिसर्च में स्टैंडर्ड सेट करता है, नॉर्म सेट करता है किसी सेक्टर में. इट हेल्प्स टू मॉनिटर द हेल्थ ट्रेंड्स, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज. ओके, नाउ मेंबर इसके 194 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, एंड इंडिया ने इसको 1948 में ही ज्वाइन किया था. स्ट्रक्चर में इसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की, और ये सारे मेंबर इसको अटेंड करते हैं और ये एनुअली कंडक्ट होती है जिनेवा में. इसका जो रोल है दैट इज टू सुपरवाइज द फाइनेंशियल एंड अदर पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है. एग्जीक्यूटिव बोर्ड है तो इसका काम होगा इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सारे डिसीजन को करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, जो डिसीजन ये लेती है WHO असेंबली. इसके बाद एक सेक्रेटरिएट होता है, इसमें डायरेक्टर जनरल एंड अदर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, दे आर डीम्ड एप्रोप्रिएट. डायरेक्टर जनरल ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो प्रिंसिपल एडवाइजर टू द UN ऑन द हेल्थ इश्यूज. दिस डायरेक्टर जनरल इनको इलेक्ट किया जाता है असेंबली से ही, एंड ऑल्सो ही सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड ऑल अदर कन्वेंशंस एंड कमीशंस व्हिच आर कन्वेंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. रिपोर्ट्स क्या पब्लिश होती हैं? वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट है, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये सारी रिपोर्ट्स रिलीज करता है. प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिट इनिशिएटिव? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड द WHO. Second is Mission Indradhanush, launched by the Government of India, pertains to, this question came in the year 2016, immunization of children and pregnant women, construction of smart cities across the country, India's own research, search for Earth-like planets in the outer space, new education policy. This was all about today's video and session. Thank you, have a nice day, and stay tuned with the list.